एक बाप ने बाप से बेटे ने कहा, जो कि नेता था, मंत्री था। बेटा बोले, छोटा था बेटा, 8-9 साल का, बोले, पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा दे दो। बोले, रहने दे। बोले, ना मैं तो राजनीति में जाऊँगा, कोई शिक्षा दे दो। नहीं माना बेटा, जिद पर अड़ गया। तो बाप ने कहा, पहली मंजिल पर चढ़ जा। बेटा चढ़ गया। बोले, अब क्या करूँ? बोले, नीचे कूद जा। बोले, चोट लग जाएगी। बोले, कह रहा हूँ ना, जब तू शिक्षा मांग ही रहा है तो मैं दे रहा हूँ, मैं नीचे से पकड़ लूँगा, तू ऊपर से कूद जा। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। उसने कहा, पिताजी आपने ये क्या कर दिया? मैं तो कहा था राजनीति की शिक्षा दी, आपने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। तो बाप बोला, बेटे राजनीति की पहली शिक्षा ये है कि अपने बाप के भी बात का विश्वास मत कर, अपने दिमाग पर चल। राजनीति पर कुछ कहते हैं तो बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे याद है 1955 में एक कवि सम्मेलन हुआ था लाल किले में, जहाँ लगातार होता रहता है, हर साल का एक सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है देश का। उसमें मुख्य अतिथि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकवि दिनकर। जब मंच की सीढ़ियों पर नेहरू जी चढ़ने लगे, एक सीढ़ी पर उनके पांव लड़खड़ाए, गिरने को हुए, पीछे दिनकर जी थे, उन्होंने संभाल लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा, दिनकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं थोड़ा लड़खड़ा गया था, आपने संभाल लिया। तो दोस्तों, दिनकर जी ने जवाब दिया, नेहरू जी इसमें धन्यवाद देने की कोई खास बात नहीं है, जब जब भी इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालता रहेगा, परवाह मत। अगर कोई बात हम ऐसी कह दें तो ये मत समझ लेना हम आपको घायल करने की दृष्टि से कह रहे हैं, हम आपको सजग करने की दृष्टि से कह रहे हैं, और ये सजगता हर समय चलती रहनी चाहिए। ये 2-4 कूलर चला रखे हैं आपने कुछ विशेष लोगों के लिए, मतलब कवियों को तो कुछ नहीं, हद मतलब इस तरह से भी अपमान होता कवियों का, ऐसी बात है, ये इनडायरेक्ट अपमान है। जैसे हम कविता पढ़ें, सामने वाले की फोटो खींच लो, हो गया काम, अब ये कर रहे हैं ना, ये इनडायरेक्ट अपन, ये भी क्या करें, जहाँ से पेमेंट मिलनी है वहीं सीखी खींचेगा हमारी काय, इसका इकोनॉमिक्स है इसमें। चला गया, कोई उसी बात। अच्छा, इन फोटोग्राफरों की एक ही देखो, जितनी भी फोटो खींचेंगे, वरमाला की सारी फोटो ये बिगाड़ते हैं। वरमाला में लड़का लड़की के गले में हाथ डालता है, होना चाहिए एक दूसरे को देख कर डाले, ये कहते हैं नहीं मेरी तरफ देख। हाँ, अब यूं डालेंगे, वो फोटोग्राफर खड़ा है, लड़का लड़की की तरफ नहीं देखता, उसे फोटोग्राफर की तरफ। जैसे यहाँ भी हमने बुके दिया तो उसने मुझे थोड़ी देखा, उसने भी फोटोग्राफर को देखा, मैंने भी देखा ना, मैंने ये देखा कि कौन दे रहा है। अच्छा, एक ने तो इस चक्कर में सासू गई डाल दी, लड़की तो कुछ नहीं बोली, ससुर बड़ा खुश हुआ कि आज तो सस्ते में सलट गई अपने से, जिसी बात यह है।